सारा आकाश उत्तरार्ध पाठ 8। थकान का भी अपना एक अजीब नशा होता है। अपनी कोठरी के सामने वाली छत पर मैं एक छोटे से खटोले पर इस तरह पड़ा था जैसे पानी पर रखी नाव पर पड़ा हूँ। सिर नीचे लटक रहा था, हाथ अलग फैले और पांव जमीन पर टिके थे, जैसे सारे अंग निर्जीव होकर झूल रहे थे। सब नीचे लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी। अब अमर की शादी होगी। जैसे ही घर में कदम रखा था कि परिचित आवाज को सुनकर चौंक गया। बैठक में जरा सा झांक कर देखा, मामा जी थे। आश्चर्य हुआ, मेरी शादी के बाद वे अब आए थे। नाराज हो गए थे, जरा सा झिझका और ऊपर चला गया। तभी नीचे से आवाज आई, अरे समर, तू तो हमसे मिला ही नहीं बेटे। उनको शायद मेरे आने की खबर मिल गई थी। बड़ी अनिच्छा से उठकर नीचे आया। वे बैठक में ही बैठे थे, शायद नाराजी के कारण भीतर नहीं आए थे। मैंने चरण छुए तो उन्होंने बाह में भरकर पास ही बिठा लिया और बाबूजी से बातें करते रहे। समझो ठाकुर साहब, जो कुछ आपको करना धरना है वो खुद ही देखिए भालिए। लड़की मेरी निगाह में थी सो मैंने बता दी, क्योंकि बात ऐसी है जी, आदमी करता अच्छे के लिए है और समझा बुरा जाता है। समर की शादी में जीजी ने जो कुछ कहा मेरे लिए तो डूब मरने को उतना ही काफी है। वे बाबूजी की बात का गुस्से से जवाब देते हुए बोले। बाबूजी मूढ़े पर बैठे बैठे तरह तरह का मुंह बनाते दिया सलाई से कान का मैल निकाल रहे थे। लगता था बलपूर्वक अपने को व्यस्त बनाए रखे हुए हो। आखिर उंगलियों से कान झाड़कर बोले, अरे छोड़ो, तुम भी क्या औरतों की तरह बात पर ध्यान देते हो चंदन जी। इन लोगों को कुछ और काम तो है नहीं। उठाई जबान इधर दे मारी, उठाई उधर दे मारी। फिर मुलायम स्वर में समझाते हुए से बोले, लड़की तुमने देख ही ली होगी, कुल खानदान कैसा है, जरा खुलासा तो करो। तो फिर किस लड़की के बारे में बात हो रही है? मैं चुपचाप सुनने लगा। सो बात झूठी है। दोनों हाथ कंधों के ऊपर मोर के पंखों की तरह फैलाकर भी बोले, लड़की तुम देख लो, अमर को तो दिखा ही लो और दो चार मोहल्ले पड़ोस वालों को दिखा लो। सारी बातें आप खुद ही करो साहब। मुझे तो उन्होंने बातचीत करने को कहा, 3 दिन पड़े रहे, मजबूर कर दिया तो आ गया हूँ, और कुछ मुझसे नहीं होगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया। बोला, बाबूजी तुम्हें जल्दी क्या पड़ रही है, अभी वह फेल होकर चुका है और अब शादी कर दो ऊपर से, सो और फेल हो। चुप रहो जी तुम, समझते तो कुछ हो नहीं और बीच बीच में अपनी झोंकते हो, बाबूजी ने डांट दिया। अरे अभी शादी हुई जा रही है, सालों तो बातचीत चलती है। मेरी आंखों के आगे सब हो हवा जाए तो गंगा नहाऊं, पता नहीं फिर क्या हो। उनकी आवाज भर्रा गई और उसे संयंत करने के लिए सामने रखा हुक्का पीने लगे। मामा जी ने गुड़गुड़ाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया था। एक कश लगाकर बोले, पास फेल तो लगा ही रहता है, इसके लिए कोई जिंदगी रुकती है? हाँ तो चंदन जी, भाई बुरा मानने की बात तो है नहीं, समर की शादी की तरह गोल गोल बात हम इस बार नहीं रखना चाहते, लेन देन की बात साफ होगी। बाबूजी के यूं डांट देने से अपमान की कड़वाहट दिल में उमड़ उठी और आंख भर आई। मुझसे तो तबीयत भर गई, अब अमर की शादी और कर दो। अभी तो घर में चकचक कम है ना, सो एक आदमी का खर्चा और बढ़ा लिया जाए। अरे ठीक है, शादी किसी की नहीं रुक सकती, लेकिन जरा अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो हो जाने दो। लेकिन नहीं, यहाँ तो बीच में बोलना गुनाह है। अब लेन देन की बातें साफ होगी, फिर लेन देन पर झगड़ा भी होगा। कोई मना करे या कुछ करे, अब मानेंगे थोड़े ही।
इस बारे में बातें करने का अधिकार तो सिर्फ इन्हीं लोगों को है। हम या तो बेवकूफ है या बलि के बकरे। अभी तक तो मैं मरता था, अब बेचारा अमर। और मुझे लगा कि मेरा यहाँ बैठना बेकार है, अच्छा खासा आराम कर रहा था। उठने लगा तो फिर मामा जी ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। अरे अरे बैठो भाई, चल कहाँ दिए? हम तो जाने कब से तुम्हारी राह देख रहे थे, चले कहाँ गए थे? घूंट लिलकर बोला, जी कॉलेज चला गया था मामा जी। अमर ने भाई साहब की बिटिया को लाकर बाबूजी की गोद में रख दिया और निहायत तटस्थ की तरह चला गया, मानो उसे इन सारी बातों से कोई मतलब ही ना हो। मामा जी बोले, अच्छा अच्छा कॉलेज जाने लगे? फिर प्रसन्नता से सिर हिलाकर कहा, बड़ा अच्छा है, खूब पढ़ो बेटा, विद्या ही सच्चा धन है। मैं चुप रहा। कहो और तो सब ठीक ठाक है, बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तंदुरुस्ती की तरफ ज्यादा ध्यान व्यान नहीं देते? फिर बहुत अर्थ भरे ढंग से हंसे। आजकल संग वंग में सुबह परेड करने नहीं जाते? 9 बजे से पहले कुंवर साहब का सवेरा ही नहीं होता, परेड क्या दोपहर में जाएंगे? बाबूजी ने बच्ची को खिलाते हुए धीमे स्वर में कहा, लेकिन उनकी इस बात के तीखेपन से मैं तिलमिला उठा। वे उस दिन की याद दिला रहे थे। मन में आया कि झटके से सिर उठाकर कह दूं कि हाँ, सुबह 10 बजे से पहले मेरी आंखें नहीं खुलती, कहिए क्या कहना है। लेकिन किसी तरह अपने पर सब्र करके बोला, नहीं मामा जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। गर्मी इस बार इधर ऐसी जबरदस्त है ना कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। सो तो है ही। फिर बाबूजी की तरफ से नेक खींचकर होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोले, अब कुछ थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दो बेटा, वहां भी कुछ मदद करने की बात सोचो। माँ बाप का फर्ज सबसे बड़ा है। अब तुम बड़े हो गए, गृहस्थ हो गए, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाओ, अकेला बड़ा ही कहाँ तक करेगा। इस बार बाबूजी फिर बीच में बोल पड़े, इन्हें क्या चिंता है, ये बने रहे और इनकी बहुरानी बनी रहे, बाकी सारी दुनिया भाड़ में चली जाए इनकी बला से। कोई कड़ी बात कहने ही जा रहे थे कि मामा जी ने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, तुम चुप रहो ठाकुर साहब, बात मैं कर रहा हूँ और बोल आप रहे हैं। एकदम बच्चा तो वह है नहीं जो समझता ना हो। और बेटा, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, आखिर कब तक माँ बाप के सहारे रहोगे? खुद दुनिया भर की मुसीबतें सहकर ये जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वह किसी उम्मीद से ही तो करते हैं ना। उन्होंने मुझे फिर बगल में भींच लिया। जरूर बाबूजी बैठकर मामा जी के सामने रोए होंगे, वरना मामा जी को पता कैसे हुआ? इन्होंने कहा होगा कि मैं समझाऊंगा, सब कुछ पहले से पका पकाया है, पूरी योजना मेरी समझ में आ रही थी। लेकिन शायद 2 वर्ष में पहली बार कोई घर वाला मुझसे ऐसे प्यार से बोल रहा था, घर की बातें समझा रहा था। सारा आशय समझते हुए भी यह अपनापन मुझे पिघलाए दे रहा था। आंखें गीली हो आई और मैं चुपचाप पांव का अंगूठा मोड़ता सीधा करता सुनता रहा। शादी ब्याह तो सभी के होते हैं भाई, लेकिन इसके लिए कोई अपने भाई बहन माँ बाप को थोड़े ही छोड़ देता है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटकते ही है, औरतों का क्या है, पल में इधर पल में उधर। समझदार आदमी को तो उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। तुम खुद हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, अच्छी तरह समझते हो। ये तो अलग घर अलग खानदान से आई है, उन्हें किसी के आपसी रिश्ते से क्या लेना देना। खून का रिश्ता तो तुम्हारा आपस में है, वह अलग थोड़े ही हो जाएगा। सो बेटा, ये तो घर गृहस्थी के मामले है, खूब फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। मामा जी मेरे कंधे पर हाथ फेरते रहे
और तब मेरे भीतर कोई चित्कार उठा। मामा जी, तुम नहीं जानते इस घर की हालत क्या है। अगर जानते होते तो यो अमर की शादी कराने नहीं चले आते। सोच सब गया, लेकिन यो ही अपराधी की तरह आंखें धरती में गड़ाए सुनता रहा। तुम कहो सास बहुओं की कहन सुनन, तो भैया मेरे किस घर में यह नहीं होता। बड़े बड़े लखपतियों के घर की हालत तो मैं जानता हूं, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, समझे। मामा जी मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फिरते रहे। जाने क्यों ना चाहते हुए भी मेरे हृदय से रुलाई उमड़ रही थी। जोर से मन में आ रहा था कि दौड़कर बाबूजी के चरणों में गिर जाऊं, खूब रोऊं, क्षमा मांगू कि मैंने बहुत ज्यादतियां और अशिष्टताएं की है। आज तक कभी इस निगाह से सारी चीज को देखा ही नहीं। मेरा व्यवहार उनके प्रति सचमुच कितना उपेक्षापूर्ण और गलत रहा। बड़ी ही कठिनाई से केवल इतना ही कह पाया, मामा जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अरे पढ़ने को कौन नहीं पढ़ाना चाहता बेटे, लेकिन भैया सब कुछ अपने घर की हालत देखकर होता है। तेते पाई पसारिए जैते लांबी सोर। तुम्हारा भैया भी है, वह भी तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है या नहीं। घर में रहकर सब सोचना पड़ता है। मेरे मुन्ना, अब तुम गृहस्थी में आए हो, समझने की कोशिश करो कि दुनिया चलती कैसे है। बहू को जरा दबा के रखो, उसे अदब कायदा सिखाओ। और अगर इन्हीं दिनों कहीं प्यार में आकर तुमने सिर चढ़ा लिया तो उसकी सीखती है भलाई। लड़कियों को तो सभी कुछ ससुराल में सीखना पड़ता है। घर पर उछलने कूदने के सिवा कोई काम करती होगी वे। और मामा जी अपने मक्खन जैसे मुलायम और शहद से मीठे शब्दों में औरत को संभाल कर रखने के गुर देते रहे। मैं जानता था कि सब सलाह नहीं दी जा रही, बल्कि मेरे और प्रभा के ऊपर लगाए गए आरोपों का पुनर्कथन मात्र है। कई बार मन में आया कि उनकी बात का विरोध करूं। और तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम पूजा पाठ धर्म कर्म सब छोड़ते चले जा रहे हो, ऐ? कहीं पढ़ना लिखना इसलिए होता है बेटा? लोग सारे धर्म कर्म को छोड़ देंगे तो दुनिया रहेगी कैसे? देखो अपने पुरखों को देखो, कितनी कितनी मुसीबतें आई, कैसे कैसे संकट पड़े, लेकिन वाहरे मेरे शेरो, जान छोड़ दी पर धर्म नहीं छोड़ा। हकीकत राय, बंदा बहादुर पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए। भैया अपने धर्म का तो प्रताप ही है कि हम तुम यहाँ बैठे हैं, वरना जाने पाकिस्तान में होते या किसी गिरजे में प्रार्थना कर रहे होते। तुमने तो हमसे ज्यादा पढ़ा है, तुम तो खुद ही जानते हो जर्मनी हमारे यहाँ से वेद ना चुरा ले गया होता तो एक से एक नायाब चीजें आज कहाँ से इजाद कर लेता। अरे चोरी करके तो तुम जो चाहे सो कर लो, अकल हम तब मानते कि खुद अपने आप ये हवाई जहाज रेडियो निकालते। और अपने अतीत के गौरव की याद में उनकी आंखों में आंसू भर आए। इन सारी बातों का जवाब मैं क्या दूं? मैं सोच ही रहा था कि अचानक तेज आवाज में कहीं गई बाबूजी की बात ने सारा जादू एक झटके में छिन्न भिन्न कर डाला। तुम किस पत्थर को समझा रहे हो चंदन? कहा है सीख दीजिए ताही को, जाको सीख सुहाए। सीख ना दीजिए बांदरा, घर बया को जाए। वहां कोई अमर नहीं है भैया, पानी की बूंद नहीं टिकने वाली। सब चुपचाप सुन लेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके जी में आएगा, जो बहू कहेगी। क्यों अपना वक्त बिगाड़ रहे हो तुम? उसे भी बहू के पास जाने को देर हो रही होगी। फिर एक पल चुप रहकर बोले, मैं तो कहता हूं जो इनके जी में आए सो खूब कर लेने दो, हमारी तकदीर में जो होगा सो भुगत लेंगे, अब तक भी तो भुगता है।
मामा जी भी बाबूजी की इस अप्रत्याशित विस्फोट से हतप्रभ हो गए। लगा वह उनके कार्यक्रम में तो नहीं था। पीठ ठोक कर बोले, अरे नहीं जी, कोई बच्चा थोड़े ही है हमारा समर बेटा, समझता तो सब है, जरा सा लड़कपन है, क्यों है ना बेटा, बाबूजी से माफी मांग लेना बेटा, यह बड़े है। खट से स्विच दबाकर जैसे किसी ने नम्रता, शील, हृदय में उमड़ आई कातर आर्द्रता एक साथ सब समेट ली। बाबूजी की बात दिल को चीरती चली आई। सारी शिष्टता और तमीज को ठोकर मारकर कोई कड़ी सी बात कह देने को जी कसमसता रहा और जबान तड़पती रही। अपना नम्रता से झुका सिर मैंने उद्वटता से ऊपर उठा दिया और तना हुआ बिना एक भी शब्द बोले ऊपर चला आया। हाँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं, करो क्या करते हो। बीच छत पर खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि बाहर भटकने निकल पड़ूं या फिर अपनी खाट पर जा लेटूं। तभी कोठरी के भीतर से बदले हुए ब्लाउज और सामने वाले बटन लगाती प्रभा निकल आई। कुछ देर खड़ी खड़ी यूं ही देखती रही, फिर पास आकर पूछा, क्या हुआ? कनपटी के पास आकर मेरा गाल छूकर देखा, तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ नहीं बोला और बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए खड़ा रहा। फिर वह बोली, क्या कहते थे मामा जी? कहते थे मेरा सिर। जैसे ही झुंझला कर कहा कि मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जा पड़ी। सोचा, इस बिचारी ने क्या किया है जो उस पर झुंझलाहट निकाल रहा हूं, इसे तो पता भी नहीं है। थोड़ा नरम पड़कर बोला, समझा रहे थे कि बहू को कैसे दबा कर रखना चाहिए। मुझे पता है बाबूजी ने कहा होगा सब, रोए होंगे बैठकर, वरना वह कोई ज्योतिषी है कि सूरत देखते ही पता चल जाए। आते ही उन्हें ये सारी बातें मालूम कैसे हो गई? प्रभा ने स्नेह से कंधा छूकर कहा, अरे कोई बात कह दी है तो ऐसा क्या हो गया जो यो मन खराब करते हो? जाओ जरा घूमाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी, बड़े है समझाना उनका फर्ज है। बड़े आए समझाने वाले, दूसरों को क्यों नहीं समझाते? फिर थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं प्रभा, सारी कमजोरी यह है कि मैं बहुत कच्चे दिल का आदमी हूँ, सो जिसका मन होता है दबाता चला आता है। जरा उन्होंने प्यार की बात कह दी और पिघल गए। तुम ही बताओ, ऐसा मैंने क्या कर डाला कि मामा जी से माफी मांगने को कहते थे? आखिर मेरा कुछ कसूर भी तो बताओ जिसका नाम लेकर कहूँ, बाबूजी गलती हो गई माफ कीजिए। मैंने आज तक उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, उनके सामने नहीं आया, कभी उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। जब देखो तब सुन लो, बहू सिखाती है बहू सिखाती है। आखिर तुम मुझे क्या सिखाती हो बताओ ना, कोई कुछ बोले नहीं तो उसके ऊपर काव काव किए ही जाओ। वह कहाँ की रीति है, बहू ने ऐसा किया बहू ने वैसा किया। सुबह 3 बजे से उठकर काम में लगती हो, आखिर तुम ही कहाँ जाकर मर जाओ। रात को 12 से पहले सोने को नहीं मिलता, आखिर किसी को सोचना भी तो चाहिए कि औरों की भी कुछ इच्छाएं है। तुम ही बताओ, यहाँ कोई सोचता है कुछ किसी के लिए? मैं कहता रहा, सब ठीक है, इस वक्त तुम यह सोच सोच कर क्यों भुनभुना रहे हो? थोड़े ही दिन की ही बात है, कोई हमेशा तो चलता नहीं है। प्रभा ने समझाया, मैं अपनी ही रौ में कहता गया, बड़े आए हमें धर्म समझाने वाले, पहले खुद तो समझ लो, धर्म का नाम ले लेकर मार दो आदमी को, दुनिया किधर जा रही है उसे देखने मत दो, बस मंदिर में बैठकर खरताल बजाया करो, सारे काम खुद हो जाएंगे, भगवान कर देगा। कोई भी अकल की बात कहो तो नास्तिक कह कह कर काट खाने को दौड़ो। प्रभा भी शायद खिज उठी, तो फिर क्या हो गया, कह ही दिया तो, जाकर अपना काम देखो ना, बड़े बूढ़े हैं, उन्हें सब कहने का हक है।
और तब शायद हल्की चुहल से बोली, उन्होंने तो तुम्हारी शादी कराई है, इतना भी हक नहीं है उन्हें कहने का। बहुत अच्छा किया, मैं बिफर कर बोला, अभी घर की हालत बहुत अच्छी है ना, सो दूसरी शादी कराने आ पहुंचे हैं। अब अमर साहब पर निकाह है, न कमाता न धमाता, आकर वह भी तरसा करेगी तुम्हारी तरह, एक एक पैसे के सुई धागे को कि हो तो फटी धोती सिले, एक ने कमाना शुरू किया तो मेरी शादी कर दी, और अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है कि तीसरे को फांस दो। पीटेगी तो अपनी किस्मत वह पीटेगी। इस बार प्रभा खुलकर हंस पड़ी, तुम्हारा अभी से जब यह हाल है, बूढ़े होकर तो सचमुच इन लोगों से भी खतरनाक साबित होगे। बात उसने कुछ ऐसे ढंग से की कि मैं भी गुस्सा भूलकर हंस पड़ा। मन हुआ गाल पर चपत मार कर कहूं, दुष्ट, लेकिन फिर अपनी उस गंभीरता को खींच लाया, नहीं प्रभा, असली बात तो मैं जानता हूं, आज हो गई 11 तारीख, अब उनके हिसाब से मुझे अपनी तनख्वाह के रुपये मिल गए होंगे, मैंने एक टका नहीं दिया, और जब आज भी इस बारे में मैं कुछ नहीं बोला तो सारा धीरज छूट गया। अरे हाँ, वह तो मैंने पूछा ही नहीं, रुपये तो तुम्हें कल मिल गए होंगे, क्या किया? इस बार उसकी आवाज में सचमुच गृहस्थ नारी की बुजुर्गी आ गई। मेरी जबान फिर तीखी हो गई, उस साले प्रेस वाले ने कुछ दिया ही नहीं, उससे अच्छा तो कोई ट्यूशन ही कर लेते, मर जाए उसके साले के बाल बच्चे। ना मालूम क्या जीमे है उल्लू के पट्टे के, यहाँ 61 रुपये तो यूं ही उधार हो गए हैं, अब बाकी 8 बाबूजी को थमा दो तो मूंगफली तक खरीदने को तरसो। अच्छी आफत है, कल अगर नहीं दिए तो साफ कह दूंगा, तू जा भाड़ में, मुझे मेरे रुपये दे, मेरे यहाँ क्या कोई खजाना गड़ा है, तुझे क्या चिंता है, तेरे यहाँ तो अनाप शनाप चला आता है, अगर इसी तरह देने हैं तो रख ले यह अपनी प्रूफ रीडरी। अरे हाँ, हम कुछ और कर करा लेंगे, बाज आए ऐसी नौकरी से, बक्स मेरी खाला, मैं तो लंडूरा ही भला, रुपये ही नहीं निकलते जेब से साले के। प्रभा इस बार मुंह पर पल्ला रखकर देर तक हंसती रही, मुझे लगा मेरा दर्द भुलाने के लिए नकली हंसी हंस रही है, बोली, तुम तो 70 साल की बुढ़ियों जैसी गाली देने लगे, कोई सुने तो क्या समझे, और उसने जबरदस्ती मुझे धकेल दिया, जाओ जाओ जरा खुली हवा में टहलाओ, लेकिन लौट जल्दी आना, मैं खाना लिए बैठी रहूंगी। अपनी बेवकूफी और प्रभा की बातों पर उस समय यों हंसता चला आया, लेकिन शीघ्र ही बाबूजी और मामा जी की बातें नए सिरे से दिमाग में घुमड़ने लगी। एक बात सोचकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि चाहे बाबूजी ने डांटकर कहा हो या मामा जी ने शहद में लपेटकर, बातें तो दोनों ही एक कहते हैं, दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है, जबाने दो है। सोचता हुआ मैं सड़कों पर भटकता रहा, अपने आप में डूबे डूबे चलते हुए अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चला आ रहा है, मुड़कर देखा तो दिवाकर सचमुच ही खिलखिलाकर हंस पड़ा, उसके साथ कोई और भी था, जब तक मैंने उसे पहचाना नहीं था, मैं एकदम डर गया था। दिवाकर बोला, तुम्हें चलते वक्त ध्यान रहता है कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, 2 फरलांग से हम लोग साथ है, जाने क्या आप ही आप बड़बड़ाते हो, आप ही आप हाथ चलाते हो, खुद ही नाराज होना, खुद ही तन जाना, यह सब क्या है भाई। मैं झेप कर सकपका गया, ध्यान से देखा, अंधेरे में तटस्थ की तरह शिरीष भाई खड़े खड़े सिगरेट पी रहे थे, जब कश खींचते थे तो आग का फूल उनकी आंखों के नीचे चमक उठता था। मैंने झट उन्हें नमस्कार किया, अब यह सोच सोच कर बड़ी झेप लग रही थी कि जाने कितनी दूर से ये लोग पीछे पीछे चले आ रहे होंगे। इस बीच मैंने जाने अपने आप से क्या क्या बातें की होगी,
किस किस तरह की हरकतें की होगी। उन सबको देख देख कर जाने क्या सोचा हो इन्होंने। किसी तरह बोला, आप लोग किधर से आ रहे हैं? मुंह पर खिसियाने मुस्कुराहट आ गई थी। बता तो दिया कि आधे घंटे से तुम्हारे ही साथ चले आ रहे थे, गृष्टता से दिवाकर ने अपनी बात दोहराई। सुनते आ रहे थे कि तुम अपने आप से क्या क्या बातें कर रहे हो। हाँ, यह तो हमें भी लगा कि किसी बहुत ही भारी समस्या पर विचार हो रहा है। क्या बात है, भारतीय संस्कृति की कोई गुत्थी उलझ गई क्या? और शिरीष भाई खुद ही खुद बड़े जोर से हंस पड़े। फिर मेरे संजीदा चेहरे की ओर देखकर हमदर्दी से पूछा, ऐसी क्या विकट समस्या आ गई? दिवाकर होता तो शायद मैं उसे उस समय झिड़क देता या दूसरी तरह बताता। उनकी मैं इज्जत करता था, इसलिए कुछ सकुचाकर बोला, कोई ऐसी खास बात तो नहीं थी शिरीष भाई। मेरे मन में कोई बात आ जाती है तो देर तक फिर निकलती ही नहीं। देखिए, जो बात मन और आत्मा को कष्ट दे उसे हमेशा किसी न किसी से कह देना चाहिए, इससे अपने ऊपर उसका बुरा प्रभाव कम हो जाता है। ईसाइयों में पादरी के सामने अपराध स्वीकार कर लेने की परंपरा के पीछे शायद यही भावना है कि इससे मन हल्का हो जाता है। पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वे बोले, लेकिन यह मैं आपसे व्यक्तिगत बात पूछने का अनुरोध नहीं कर रहा, और अगर कोई व्यक्तिगत बात भी पूछ ही ले या यह बता ही दे तो कौन सी मुसीबत हो जाएगी? दिवाकर ने दूसरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन अपराध स्वीकार कराने का यह पुलिस वाला तरीका मुझे पसंद नहीं है। शिरीष दिवाकर की बात पर हंस पड़े। कहीं दोनों मेरी बात का बुरा ना मान जाए, इसलिए मैंने बताया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई। फिर एक क्षण सोचा और आगे बता ही दिया, तुम तो जानते हो दिवाकर, हमारे यहाँ कितने घरेलू झंझट है, एक ना एक चक्कर रोज निकलता ही रहता है। मेरी शादी होकर चुकी नहीं कि अब अमर की शादी हो रही है, कुछ कहो तो दुनिया भर के उपदेश। शिरीष भाई ने पूछा, आप लोग तो सब साथ ही रहते हैं ना? चाचा जी वगैरह सब अलग है, हम लोग सब साथी है, मैंने बता दिया। माफ कीजिए, आपके परिवार की कुछ व्यक्तिगत बातें पूछ रहा हूँ। और फिर चलते चलते शिरीष भाई देर तक मेरे परिवार के बारे में, लोगों के बारे में पूछते रहे और मैं बिना कुछ छिपाए बताता रहा। बात घर के लड़ाई झगड़े पर आई तो मैंने दुखी स्वर में स्वीकार कर लिया कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े शादी के पहले ही दिन से शुरू हो गए थे। फिर प्रभा के बारे में पूछा कि कितनी पढ़ी है, स्वभाव कैसा है, उसकी क्या क्या सपने हैं और घर पर मुसीबतें क्या क्या है। उनके इन डॉक्टरों जैसे सवालों से मैं परेशान मन ही मन जरूर था, लेकिन प्रभा की समझदारी, शिक्षा और सपनों के बारे में बताते हुए अच्छा भी बहुत लग रहा था। मगर अंत में उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया कि सचमुच मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, आपकी इच्छा से शादी नहीं हुई, लेकिन अब एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए, क्या अब आप अपनी पत्नी को सचमुच प्यार करते हैं या सिर्फ पति होने से फर्ज के कारण उसके बारे में ऐसा सोचते हैं? उन्होंने सिगरेट पीने की व्यस्तता में पूछा। मैं हकला गया। सचमुच उस क्षण मैं निर्णय नहीं कर पाया कि प्रभा के प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार है या अपने किए का पछतावा है या उसकी मजबूर स्थिति के प्रति दया भर है। मुझे कोई जवाब नहीं सूझा, फिर भी अपने को जैसे तैसे संभाल कर बताया, मैं उसी की इच्छा से पढ़ रहा हूँ, वह न होती तो शायद मैं भी न जाने कब से कहीं 100-125 का क्लर्क हो गया होता। उसका बड़ा मन है कि मैं खूब पढ़ूं और तब कोई अच्छी सी नौकरी करूं। मेरे लिए उसने कितनी मुसीबतें उठाई है शिरीष भाई, मैं आपको बता नहीं सकता,
अब भी सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात को 12 बजे तक पीसती है। हम तीनों चुप हो गए और मैं सिर्फ अपनी बात का जवाब खोजता रहा। सहसा तब एक बात कौंधी तो मन में आया कि इसे भी शिरीष भाई को बता डालो। उसने अपने आप को मेरे लिए बिल्कुल भुला दिया है, जैसे उसके अपने दुख सुख आकांक्षाएं कुछ है ही नहीं। पर फिर सोचा कि यह तो बात उसकी तरफ से ना हुई। मेरे मन में उसके लिए वास्तव में भावना क्या है, इस बात का जवाब तो यह नहीं है। फिर भी मेरा दिल प्रभा के लिए पसीज उठा। अपने भीतर की छटपटाहट को किन शब्दों में या किस तरह प्रकट करूं? इस बेचैनी से मैंने शिरीष भाई की तरफ देखा। वे चुपचाप कुछ सोचते से एक एक कदम चल रहे थे। कुछ कहेंगे जरूर, यह मैं जानता था। शायद उसी की राह देख भी रहा था। सड़क सूनी सूनी थी, पता नहीं हम लोग किधर निकल आए थे। ज्यादा गौर करके मैं जगह को पहचान भी सकता था, लेकिन साथ चलती ऊंची सी दीवार पर बड़े बड़े काले अक्षरों में जूतों और कपड़ों के विज्ञापन पढ़कर ही रह गया। लगा जैसे एक धुंध में लिपटा जा रहा हूं। शायद 8:30 या 9 बजे होंगे। बरसती चांदनी के दूध से धरती और आकाश धुल गए थे, शायद इसलिए बत्तियां नहीं जली थी। शुक्ल पक्ष की बत्तियां प्रायः बंद रहती थी। अजब बात थी, चांदनी रात में मैं रहूं कहीं भी, लेकिन जब भी प्रभा का ध्यान करता हूं तो वह मुझे छत पर सिमटी सिमटाई बैठी, या ज्यादा ठीक कहूं तो रोती हुई दिखाई देती है। इस समय भी अपनी छत का दृश्य ही सामने आ गया। भाई समर जी, आखिर शिरीष भाई जैसे कहीं बहुत दूर से बोले, आपकी अपनी या दिवाकर की सबकी वास्तविक स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती जा रही है, इस संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ना ही होगा। अब आपके लिए ही कहूं कि अगर आप खुद जिंदा रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे, तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अलग रहिए। जैसा भी हो अलग रहिए। यह बात या कहूं कि सलाह इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं चौंककर स्तब्ध रह गया। अचक जाकर पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा शिरीष भाई। आप बुरा ना मानिए, लेकिन समर भाई, सच्चाई यह है कि आपकी पत्नी की सारी आकांक्षाएं और आपके सारे प्रयत्न इस वातावरण में बिल्कुल बेबस होकर घुट घुट कर मर जाएंगे। एक के बाद एक मुसीबतें निकलती आएगी और आप लोग शायद सुख की नींद के सपनों में ही जिंदगी बिता देंगे। यानी संयुक्त परिवार के आप बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से शायद उनकी बात सच हो, क्योंकि अपनी मुसीबतें मुझे अनंत लगती थी, लेकिन परिवार की एक पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए वे ऐसा सोचे, यह बात गले नहीं उतर रही थी। हाँ, आप ऐसा ही समझिए, उन्होंने अपनी बात पर जोर देकर कहा, आज की आर्थिक स्थिति में संयुक्त परिवार चल नहीं सकता। अगर चलेगा भी तो ऊपर के देखने में चाहे जो हो, लेकिन अंदर से उसमें छोटे छोटे परिवारों की कई इकाइयां बन जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि यह जरा सी भावुकता कितने भयंकर परिणामों को जन्म दे रही है। रात दिन हैरान परेशान रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे सब होगा, लेकिन रहेंगे साथ ही, इज्जत का सवाल, अलग चूल्हा न जलने की हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींचतान, इन सब के कारण कितनी हत्याएं आत्महत्याएं रोज होती है। इस बात को जाने भी दीजिए तो भी एक इसका परिणाम ही इतना भयंकर है कि उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। क्या? उन्होंने बात को ऐसे ढंग से तोड़ा कि मुझे पूछना ही पड़ा। यह जानकर कि हम लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, उन्होंने बताया, संयुक्त परिवार का शाब्दिक आदर्श चाहे जितना महान हो,
उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। सारा समय तो समस्याएं बनाने में या बनी बनाई समस्याओं को सुलझाने में जाता है। लड़ाई, झगड़ा, खींचतान, बदला, ग्लानी सब मिलाकर वातावरण ऐसा विषैला और दम घोटू बना रहता है कि आप सांस न ले सके। कारण आर्थिक ही है, यह आप भी जानते हैं। नतीजे में हम दो हिस्सों में बटे रहते हैं, बाहर अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ी और भीतर अपनी पारिवारिक उलझने सुलझाओ। सीधे सरल दिल दिमाग का आदमी इन झंझटों में पिस जाता है। इतनी देर बाद दिवाकर ने अचानक मुड़कर सवाल रखा, लेकिन यह तो स्थिति हुई, परिणाम कहाँ हुआ? मैंने बताया ना, परिणाम यही होता कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर पाते। अपनी शक्तियों और प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का आपको अवसर ही नहीं मिलता, या कहे अपने आप को ऐसी बातों में उलझा कर थका डालते हैं कि आपका दिल दिमाग अपने सपने पूरे करने लायक ही नहीं रह जाता। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए आपके पास शक्ति बची कहाँ जा पाती है? हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्रेन ना आने का बहुत बड़ा कारण यह भी है। उल्टा सीधा रट रटा कर पास हो गए तो समझ लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला। जिसे रटते हैं वह खुद ही किसी की जूठन होती है। संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देने की बात तो दूर रही, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाते। वहां भी जो कुछ जानते हैं वह किसी की उगली निगली जूठन या 50 साल पुरानी बातें। अपनी इस मजबूरी या असफलता को तब हम यह कह कहा कर छिपाने लगते हैं कि हमें संसार के ज्ञान विज्ञान को जानने की जरूरत ही क्या। हम इस संसार की सबसे ज्ञानी जाति के अलंबर है। हमने संसार को बहुत दिया है और यो रूढ़िवादी बुद्धुओं की एक के बाद एक पलटन तैयार होती जाती है। अपनी बिखरी बात को समेट कर वे बोले, भैया मेरे, सीधा साधा हल यही है कि आप अलग रहिए और घर के लिए जो जिम्मेदारी महसूस करते हैं वह पूरी कीजिए। मैं इस व्यक्ति की विश्लेषण प्रतिभा पर चकित था। सारी बातें मेरी समझ में ऐसी आसानी से आती चली जा रही थी कि आश्चर्य हो रहा था। इतनी सीधी बात आज तक मेरी अकल में क्यों नहीं आई? अचानक एक सवाल सूझा, पूछा, लेकिन शिरीष भाई, यह तो घोर स्वार्थ की बात हुई ना। माँ बाप जाने किन किन आशाओं से बच्चों को पालते पढ़ाते लिखाते हैं। सोचते हैं कि बुढ़ापे में वे उन्हें सहारा देंगे, हारी बीमारी में मदद करेंगे, वंश को आगे बढ़ाएंगे और बच्चे समर्थ होते ही अलग हो जाते हैं, तो यह स्वार्थ नहीं है? यो देखने में स्वार्थ जरूर है। मेरे सवाल से वे एक क्षण को हिचके, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व को विकास ना देकर, उनको उन्नति का अवसर ना देकर अगर बाप इस सब के लिए उन्हें अपने से बांधे रखे, इसकी जगह क्या यह अच्छा नहीं है कि उन्हें स्वयं विकसित होने दे और आपकी इस बात को फर्ज की तरह उनके मन में उगने दे? जहां तक मैं समझता हूं, एक दो संतानों के साथ इस तरह का संकट आता भी नहीं। संयुक्त परिवार अभिशाप बन जाता है वहां जहां कई संतानें हो, आर्थिक रूप से परिवार समर्थ ना हो और आय के साधन बहुत ही कम हो। अब ऐसी जगह माँ बाप सोचते हैं कि बेटे पर मेरा हक है और पत्नी सोचती है वह किसी का बेटा हो या ना हो, उसका पति जरूर है और उसकी कमाई पर सबसे पहला हक उसी का है। फर्ज ही अदा करना है तो अलग रहिए और अपने साथ एकाद अपने और छोटे भाई बहन को रखिए। इसी तरह और अपने माँ बाप को अपने बोझ और परेशानियों से काफी हल्का कर सकेंगे। साथ ही व्यवहारिक अनुभव कहता है
कि इसमें संबंध भी बाद में अच्छे ही बने रहते हैं। भाई भाई अलग बाद में ही होते हैं, लेकिन उस अलग होने पर एक कांड होता है, दुर्घटना होती है और अक्सर बोलचाल भी बंद हो जाती है। माँ बाप को खुद चाहिए कि बच्चों को समर्थ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने को छोड़ दे, उनकी मदद करे, उनकी जरा सी वह भावुकता ही सब साथ रहे कितना नुकसान करती है, इसे वे नहीं जानते। काश इस सब को सुनने के लिए प्रभा भी होती। रास्ते भर सोचता आया कि सारी बातें प्रभा को बताऊंगा, बाबूजी को समझाऊं तो शिरीष भाई को गालियां और मिले। हम भी तो देखे कौन से तुम्हारे दोस्त है जो ऐसी अच्छी सीख दे रहे हैं। इन लफंगे दोस्तों के साथ यही तो सीखोगे। मामा जी ने सचमुच हमारे यहाँ खाना नहीं खाया।